पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हुए औद्योगिक विकास की राह पर आगे बढ़ना ही पूरे विश्व की समस्या है। औद्योगिक विकास की कीमत पृथ्वी के जलवायु को चुकानी पड़ रही है, जिसका बुरा असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन एक ऐसी समस्या है जो धीरे धीरे महसूस होती है, लेकिन घातक असर दिखा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 2022 में हमारी पृथ्वी के औसत तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, यानी ये ज्यादा गर्म हुई है। तापमान में बढ़ोतरी की ये संख्या छोटी है, लेकिन इसका भयानक असर लगभग हर देश पर पड़ा है। हालात ये हैं, बहुत से देश मौसम का चरम रूप देख रहे हैं। गर्मियों के मौसम में भयानक गर्मी और सर्दियों में भयानक ठंड का सामना करना पड़ रहा है। बारिश भी कई देशों में समस्या पैदा कर रही है। इस तरह के हालात पर चर्चा करना बेहद जरूरी है, इसलिए हर साल संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में कॉप या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक होती है। यूनाइटेड नेशन में शामिल लगभग सभी देश इसका हिस्सा हैं। जलवायु परिवर्तन पर चर्चा के लिए होने वाली कॉप की 28वीं बैठक यानी COP28 इस वर्ष यूएई में चल रही है, जिसमें इस बार 160 देशों ने हिस्सा लिया है यानी शामिल हुए हैं। इस बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दुबई पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर अन्य देशों को संबोधित किया, जिसमें जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रही दिक्कतों के लिए उन्होंने कुछ विकसित देशों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने किसी भी देश का नाम लिए बिना कहा कि चंद देशों के किए की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकासशील और गरीब देशों की मदद करने की अपील भी की। उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात कही, ताकि ये देश जलवायु परिवर्तन के घातक परिणामों से अपनी रक्षा कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने इकोलॉजी एंड इकोनॉमी के संतुलन का एक अच्छा उदाहरण दुनिया के सामने पेश किया है। दुनिया की 17% आबादी भारत में रहती है, लेकिन कार्बन उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी मात्र 4% की है। हम सभी के प्रयासों से ये विश्वास बढ़ा है कि विश्व कल्याण के लिए सबके हितों की सुरक्षा आवश्यक है, सबकी भागीदारी आवश्यक है। फ्रेंड्स, आज भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के उत्तम संतुलन का उदाहरण विश्व के सामने रखा है। भारत में विश्व की 17% आबादी होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन एमिशंस में हमारी हिस्सेदारी ओनली 4% से भी कम है। हमें संकल्प लेना होगा कि हम मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, साथ देंगे। हमें ग्लोबल कार्बन बजट में सभी विकासशील देशों को उचित शेयर देना होगा। हमें यह संकल्प लेना होगा कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का लगातार विकास करें, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन को सशक्त करें। फ्रेंड, भारत यूएन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज प्रोसेस के प्रति प्रतिबद्ध है, इसलिए आज मैं इस मंच से 2028 में COP 33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। भारत का लक्ष्य है कि वो वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 45% तक कम करेगा। यही नहीं, भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में COP 33 की मेजबानी का दावा भी ठोका है। COP 33 की बैठक वर्ष 2028 में होनी है। दुबई में COP 28 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का वार्षिक सम्मेलन जारी है।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाया कि कैसे जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटना है और ग्लोबल वार्मिंग का जो चैलेंज है उससे कैसे दुनिया को समाधान की ओर आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्बन उत्सर्जन को लेकर भारत का जो रोड मैप है इसको कैसे कम करना है उसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कार्बन उत्सर्जन की जो इंटेंसिटी है उसको 45% तक 2030 तक घटाने का लक्ष्य भारत का है और 2070 तक जो नेट जीरो का लक्ष्य है उसे पूरा करने की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है। एक बात बिल्कुल साफ है कि COP28 के इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को एक बड़ा दिखाया है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा और विकासशील देशों की मदद के लिए विकसित देशों को आगे आना होगा। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दुबई। दुनिया भर के देशों के राष्ट्राध्यक्ष COP28 की बैठक में शामिल होने के लिए दुबई पहुंचे हैं। जलवायु परिवर्तन ने इन सभी देशों को किसी न किसी रूप में परेशान किया है और इस वजह से सभी देश इसको लेकर वैश्विक कदम उठाने के पक्ष में भी दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी COP28 में शामिल होने के लिए कल शाम ही दुबई पहुंच गए थे। दुबई एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पर पहुंचे थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर काफी खुश दिख रहे थे। हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। सभी के प्रयासों से ये विश्वास बढ़ा है कि विश्व कल्याण के लिए सबके हितों की सुरक्षा आवश्यक है।